अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वेजिटेबल पकोड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए एक बाउल में हम डालेंगे 1 से 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, ये इसमें डालेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हुए हैं और इनको मैंने जूलियन काट लिए है। 1 कप मैंने बंद गोभी लिए, इसको भी छोटा छोटा काट लिए, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में काटा हुआ है। ये अब सारे वेजिटेबल्स आपने बेसन में ऐड करने हैं। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। अब इसमें डालेंगे नमक हसब जायका। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय की चम्मच। अब इसमें डालेंगे साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। अब इसमें डालेंगे मीठा सोडा 1/4 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। अब इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स करेंगे। अगर मुझे इसमें थोड़ा सा बेसन कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मुझे थोड़ा सा इसमें बेसन कम लग रहा है तो मैं 1-2 चम्मच इसमें और ऐड कर देती हूँ। अगर आपको भी वेजिटेबल्स थोड़ी सी बिखरी बिखरी नज़र आ रही हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करके इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है, ये देख लें इस तरह से ये तैयार होगा। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया हुआ है, अब इसमें हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। 1-1 चम्मच लेकर आपने इसको ऑयल में डालना है। इसी तरह से सारे डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे। पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए, अब इनको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको टर्न करेंगे। आप देखिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा बस जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इनको निकाल लेने। अब हम इनको एक डिश में निकालेंगे। बाकी पकौड़ों को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो तैयार हैं पकोड़े, मैंने इनको आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व किए, जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ऊपर लिंक आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।